दोस्तों राजकुमार राव की स्टारर मूवी श्रीकांत रिलीज के पहले ही दिन से खूब तारीफें बटोर रही है। इस बायोपिक में राजकुमार राव की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ हो रही है। हालांकि श्रीकांत मूवी की कमाई में उतार चढ़ाव भी जबरदस्त देखा गया, लेकिन ये मूवी रिलीज के चौथे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है और 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई करते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं अब श्रीकांत मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 24 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजकुमार राव की श्रीकांत मूवी के टोटल 24 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आखिर इस मूवी ने अभी तक इंडिया के साथ साथ दुनिया भर से कितने रुपए की कमाई कर ली है, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप राजकुमार राव को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजकुमार राव के लिए मई का महीना काफी लकी साबित रहा। एक्टर की साल की पहली रिलीज मूवी श्रीकांत 10 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये मूवी अंधे उद्योगपति श्रीकांत बोला की रियल लाइफ पर आधारित मूवी है। फिल्म की इंस्पायरिंग कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया और इसी के साथ ये मूवी रिलीज के चौथे हफ्ते में भी 1 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करती हुई बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। इस मूवी की कमाई की बात करें तो श्रीकांत मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई करके अपनी शुरुआत की थी, तो वहीं दूसरे दिन मूवी ने 4 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए। तीसरे दिन इस मूवी ने 5 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए। चौथे दिन 1 करोड़ 65 लाख रुपए, पांचवे दिन 1 करोड़ 60 लाख रुपए, छठे दिन 1 करोड़ 50 लाख रुपए, सातवें दिन 1 करोड़ 40 लाख रुपए। इस तरह से इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला वीक कंप्लीट किया और अपने पहले वीक में टोटल 17 करोड़ 85 लाख रुपए कमा लिए। वहीं बात करें इस मूवी के दूसरे वीक की कमाई के बारे में तो इस मूवी ने अपने दूसरे वीक में टोटल 13 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इस मूवी को अब सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 वीक से ज्यादा का समय हो चुका है। बात करें इस मूवी के तीसरे वीक की कमाई के बारे में तो श्रीकांत मूवी ने अपने तीसरे वीक में भी 8 करोड़ 90 लाख रुपए का कारोबार किया था। वहीं दोस्तों बात करें इस मूवी के 23वें दिन की कमाई के बारे में तो इस मूवी ने अपने 23वें दिन 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। वहीं अब इस मूवी के 24वें दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक श्रीकांत मूवी ने अपने 24वें दिन 1 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई कर ली है। श्रीकांत मूवी को सिर्फ हिंदी भाषा में ही रिलीज किया गया था। बात करें इस मूवी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो श्रीकांत मूवी का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन अब 44 करोड़ 25 लाख रुपए हो चुका है। वहीं इस मूवी का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 52 करोड़ 45 लाख रुपए हो गया है। श्रीकांत मूवी की दुनिया भर की कमाई की बात करें तो इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 54 करोड़ 95 लाख रुपए हो चुका है। श्रीकांत मूवी बॉक्स ऑफिस पर चौथे हफ्ते में भी शानदार परफॉर्म कर रही है। हालांकि फिल्म को अब राजकुमार राव की लेटेस्ट रिलीज मूवी मिस्टर एंड मिसेज माही मूवी से भी कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन श्रीकांत मूवी की कमाई की रफ्तार बरकरार है। चौथे वीकेंड में श्रीकांत मूवी 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर अब 50 करोड़ के कलम में शामिल होने के लिए बेहद तेजी से बढ़ रही है। उम्मीद है कि श्रीकांत मूवी इस हफ्ते ये माइलस्टोन भी पार कर लेगी। श्रीकांत मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इस मूवी में राजकुमार राव के अलावा ज्योतिका, शरद केरलकर और अलाया एफ ने भी अहम किरदार निभाया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।